अस्सलामुअलैकुम, मेरा शोहर का नाम मोहम्मद जावेदुद्दीन है। मेरे शोहर ऑलरेडी शादीशुदा है, शादी होकर 9 साल हो रहा है उनके। मेरे को 2 बच्चे हैं, 5 साल का लड़का है, 21 दिन की बच्ची है मेरे को। मेरे को रखते हैं पर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं करके ना जाके जजीर गुट्टे में शादी कर रहे थे। मैं जाके मेरे को कन्फर्म होते कि मैं जाके शादी को रुका दी पहाड़ी शरीफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। कल जो न्यूज़ डाले है वो न्यूज़ सही नहीं है। कहीं को बोले तो मैं शादीशुदा हूँ, बात मानता हूँ मैं। कहीं को बोले तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था 14 रमज़ान को, तो 14 रमज़ान से मेरी जोरू गई हुई थी उनके ससुराल को। मैं ससुराल को गया, कहीं को जोरू मेरे वाइफ को बिठा लिया, बोले तो मैं अलग रखना चाह रहा हूँ। 1,30,000 रुपये मेरे को मांग करें हमारे ससुरे साहब, मैं रहन के घर में रखना चाह रहा हूँ। बोले तो मैं रहन के घर में ठीक है बोल के 1,30,000 रुपये मेरी जोरू के बच्चों के खातिर दिया। देख के बोला 3 महीने से कंटिन्यू बोल लेते आ रहा हूँ मैं शादी कर रहा हूँ, देखो मैं शादी कर रहा हूँ। बोले तो ठीक है, आप कर लो आपकी मर्ज़ी से, बच्चों का हनमाना दियो। बोले बच्ची मेरी 1 महीने की है, मेरे को बच्ची से भी मिलने नहीं दिए। मैं जजी खाने को भी गया, मेरे साथ मेरा साला इब्राहिम और हाफिज़ दोनों मिलके मेरे को रोके, फिर भी मेरी बच्ची को मैं नहीं मिला। कहीं को बोले तो मासूम बच्ची है, वहाँ पर तंदा ने नको लो लिया बोल के मैं चले गया। फिर भी मेरे को आके मेरे को पैसे बच्चों का जो भी है मेरे को हनमाना दियो, हर महीने को मना बोल के ठीक है बोल के हर महीने को मना देता हूँ। बोला मेरा बच्चा अहमद है, अहमद की मैं पढ़ाई पढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरे साथ मैं काम कराना चाह रहा हूँ, वो भी बोला मैं। उसके बाद ठीक है आप शादी कर लो, बोले सब राजी होगा। सब राजी होने के बाद जैसे मैं जैसे शादी खाना बुक करा लिया, टोटली शादी खाना बुक करा, रुखे छपाया, आपको रुखों का भी बताता हूँ आपको। वहाँ पर सांचक धूम से करा, सांचक भी हर चीज़ करा इनको जाके, वो भी बोला देखो मैं शादी करने वाला हूँ, देखो रहमानुन्निसा मुस्कान से शादी कर रहा हूँ, आप राज़ी है नहीं हो तो राज़ी है कर लो आप, मेरे खाली महीने को महीना पैसे दे दो, हिस्सा ख़त्म बोल के ये बात बोले तो ठीक है मैं महीने को महीना पैसे दे देता हूँ। आपकी डिमांड कितनी है? बोले तो मेरे बच्चे को 2,000 रुपये दियो मंथली। बोले बोला ठीक है 2,000 रुपये नहीं 500 रुपये दे सकता हूँ। मैंने मेरा बच्चे को बोला मैं स्कूल की फीस दे लेता हूँ मेरे बच्चे को, जितना ना मैं पढ़ा लेता हूँ मेरे बच्चे को। बोला तो नहीं 2,000 रुपये, ठीक है 2,000 रुपये में अमन ना हो गए। उसके बाद 2,000 रुपये में अमन ना हो गए बाद मैं शादी के रुखे छपा दिया, ये शादी के रुखे भी हैं मेरे पास। और जैसो बोला शादी खाने में बातचीत करा, बातचीत करे बाद हर चीज़ करे बाद शादी खाने का रुखा है ये, जब अपने चंद्रन गुट्टा मसानगट्टी के टर्निंग में अंदर शादी खाना है, ये चंद्रन गुट्टा अंदर टर्निंग में दिन का कल का वलीमा था मेरा। तो उनको भी जैसे मुस्कान को भी मैं ये बोला, मुस्कान मैं शादीशुदा हूँ देखो। बोले तो ठीक है बोल के, बोले ठीक है बोल के हम लोग 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा, 5 साल से जहाँ बोले वहाँ गए, हम लोग होटलों को गए, हर चीज़ गए। और जैसे मस्जिद दरगाह के पास सर के अपने इस्लाम में क्या है, दरगाह के पास 3 बार कबूल इस्लाम बोले, कबूल कबूल हूँ बोल के उन्होंने मेरे को शादी कर दे रही, मैं जावेद से निकाह कबूल है मेरे को। बोले ठीक है बोल के उन्होंने भी बोले, मैं भी बोला कबूल है भाई मेरे को बोल के बोला। उसके बाद मियाँ बीवी का हर 5 साल से हम लोगों को चल लेते आ रहा। उसके बाद उनको मैं फ़ोन दिलाया, घर में LED दिलाया, एक एक्टिवा गाड़ी दिलाया और एक सोने के बालियां दिलाया उन कान के, वो भी मेरे पास स्लीपा है उसके भी ऑनलाइन पेमेंट करा, सो हर चीज़ करा। फिर उनके बाबा भाई उनके भौनियों को भी बोला, जो खदीर है खदीर भाई को भी बोला, फाइनेंसर है खदीर, फाइनेंस चलाता इंटरेस्ट से पैसे चलाता उन्हें चंदन को वहाँ पर। तो खदीर भाई देखो मैं शादीशुदा हूँ, मैं बोल के खुला कर रहा हूँ, कल के दिन वो न होना, हर चीज़ से बोल रहा हूँ कल के दिन वो लुल्ली न होना। देखो खदीर भाई तो अरे भाई तुम करो, तुम हर चीज़ कर रहे हो वो चल रहे हो। बोले फिर मेरा जो जोरू का फ़र्ज़ बनता है ना, अच्छा बुरा हर चीज़ में हम कर लेते हैं, 5 साल से रिलेशनशिप में मैं कर लेते आ रहा हूँ। मतलब दवाखाने में भी थे तो मैं दवाखाने के पैसे लगाया, 24,000 दवाखाने को लगाया मैं, बुखार आ गया था वो कुछ हो गया था उनको, तो मैं 24,000 दवाखाने में भी लगाया, मैं जाके दवाखाने में भी पैसे लगाया, हर चीज़ लगाया। लगाया बाद शादी की डेट ठहरी, रसम करा मैं, रसम के पैसे मेरे। मुल्ला क्या बोले भाई, उन्हें बच्ची जॉब करती, वो उनके भाई कमाते नहीं तीनों भी, बाबा सलीम रहीम खाली बेकारी के कमाते करते नहीं। तो मैं रसम के मैं करा, रसम के पैसे मैं दिया। और जैसे मेरे को जो कपड़े सिलाते हैं, क्या मैटर जो है आपका, वो जो अब जो दूसरी शादी हो रही है उस ताल्लुक से नहीं है, जिस पे आप पे इल्ज़ाम जो लगाया गया है कि आप अपनी बीवी को धोखे में रखा। नहीं नहीं साहब, धोखे में नहीं रखा, 3 महीने से मैं कंटिन्यू बोल लेते आ रहा हूँ मैं शादी करने वाला हूँ। मिला इन दोनों को? मिलाया, फ़ोन पे भी बात कराया, ऑलरेडी फ़ोन पे भी बात कराया कि आमने सामने भी फ़ोन पे बात कराया, देखो रहमानुन्निसा ये मुस्कान है, ऑलरेडी उन्होंने मेरा फ़ोन उठा के बात भी करे मुस्कान से। तो मुस्कान क्या इन्हों क्या बोले, रहमानुन्निसा आप लोग दोनों शादी कर लो, कुछ भी कर लो, मेरे को इतराज़ नहीं है बोल के बोले। फिर मेरे को जब बच्ची हुई के बाद मैं घर पर भी गया तो मेरे ससुराल वाले मेरे को मिलने नहीं दिए। कितने दिन से पहले भी आपके साथ नहीं है? 2 महीने से मेरी बीवी साथ में नहीं है। मेरे वालिद साहब का 40वां हुआ, 40वें के बाद कोई घर छोड़ के जा सकता है क्या बोलो आप लोग? 40वें के बाद कोई घर छोड़ के जा सकता? और जोरू का फर्ज क्या रहता, मरद काम पे से थक गया है बात दिखना बाहर निकल है बात, खुश रहना, उन्हों वैसे रहते हो तो इस तरीके से मैं ख़त्म उठाया दूसरी शादी का। मेरा नाम इशरत अफरोज है, मैं जावेद की वालदा हूँ। मेरे बच्चे को असन करे हुए है लोग, बच्चा मेरा पहली बीवी से तकलीफ में रहकर शादी कर ले रहा था वो,
मगर इन लोग जाके क्यों ऐसा करे क्या न करे नहीं मानो मेरे को गए एक इनको 1,30,000 दिए थे तो उन्होंने ये जाके उनको भी बोले तो 2,00,000 मांगो बोल के कौन दिए थे 1,30,000 पहली जो रुकेश वाली साहब 1,30,000 लेके अलग रहन का घर लेके रख ले तो मेरी बेटी को बोले मेरे साथ रखना नहीं चाह रहे थे उन्होंने मैं खाई अगर कुछ दिलाया तो मेरे बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे तुम इसलिए अलग रखते बोले तो मेरा बच्चा दे दिया 1,30,000 दिए बात वो उनको भी जाके बोले तुम शादी करने से पहले दूसरी शादी हो रही ना दूसरी शादी होने से पहले तुम 2,00,000 रुपए मंग के नीके खानी करो बोल के बोलते मेरा बच्चा इतना बड़ा कदम उठा दिया 2,00,000 रुपए कौन पूछे आप जो नीके खानी जो हो रही मुस्कान से उन लोग पूछे 2,00,000 रुपए दिए तो नीके खानी करते नहीं तो नहीं बोल के बात करने लगे हम तुम्हारा गला काट देते वो कर देते ये कर देते बोले तो मेरा बच्चा इतना बड़ा कदम उठा आज मार के मेरे वाले शौहर का 3 ही महीने हो रहा आज 3 महीने हो रहा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया 15 रमजान को इंतकाल हुआ मेरे शौहर का आज मेरा बेटा इतना बड़ा हादम हटाया अगर कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे को कौन करते मैं इस वक्त रहमान को किसी हाल को मैं घर में लाने वाली नहीं हूँ नहीं लाती मेरे ना हक के मेरे को बदनाम कह रहे उन्होंने मैं कभी यही बोली मैं अभी जब भी जाके बीच में भी ये बोली कि गवर्नमेंट दवाखाने में इलाज नहीं कर रहे ना रहमान चला मेरे से जितना हो मैं 10,000 भी किन होता मैं लगाती बोल के रहमान को ये बात बोली सो उनके वाली साहब को भी बोली तुम्हारी तुम लिए ना 1,30,000 उसमें से 10,000 तो भी लगाओ गवर्नमेंट दवाखाने में इलाज नहीं हो रहा बच्ची का बोल रहे ना मेरी औलाद आ रही थी उसके पेट में है बोल के बोले बात भी नहीं आके आज मेरे को इतना बड़ा ख़त्म उठाने लगा कि मेरा बच्चा अगर जान से चले जाता तो क्या कर सकती थी मैं मेरे शौहर का इंतकाल हो के 3 महीने छोड़ा मेरे को आज रोड पे लाके डरा कर दिए पहली बहू पहले से कर रहे इंतकाल हुए बात उन्होंने क्या बोले मेरे को मेरे शौहर का हिस्सा दियो घर में से बोले उन्होंने मैं नहीं देती मेरे नाम पे घर है मैं नहीं देती मेरे 2 बेटे हैं मैं हिस्सा नहीं करती मैं बोले तो उनके वालिद साहब बोले तुम हिस्सा करे तब मैं घर में नहीं रखता मेरी बेटी का हिस्सा दियो मेरे दामाद का बोले घर का मैं नहीं देती घर का हिस्सा बोल के बोले तो ना अपनी बेटी को ले लेके चले गए ड्राइवरी उतने में वो रहन का घर लेने से ड्राइवरी हो गई उनकी आज ड्राइवरी होके 25 दिन हो रहा उनका अगर मेरे लड़के को कुछ हो गया मेरा बच्चा आज इतना बड़ा कदम उठाया कुछ हो गया मेरे बेटे को तो पहली बीवी रहमानुन्निसा और अब जो कर रहे थे उनके लोग जिम्मेदार रहेंगे बस मेरे बच्चे के खदीर लोग जो है जिम्मेदार रहेंगे मेरे बेटे के मरकज मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का इंसाफ करिए आज मेरे बेटे को रोड पे लाके ठहरा कर दिए लोग ये हाथ खत्म कर दिए मेरे बेटे को मेरे को और कुछ नहीं चाहिए मेरा बेटा इतना पैसा लगा कि भी पहली जोर को भी इतना लगाया दूसरी जोर को भी मेरे शौहर का इंतकाल होते मेरे को घर का बंटवारा करो बोल रहे इनके वाली साहब और बच्ची आके मैं कैसा करूँ बोला आप बंटवारा घर का 3 महीने हुआ शौहर का इंतकाल होके 15 रमजान को इंतकाल हुआ मेरे शौहर का